ठीक है सो यू सो फाइन सो चैलेंज इज रिलेटेड टू इलेक्शन यू विल बी टॉकिंग राइट ठीक है हा ओके देन ओके दैट टाइम ठीक है ईवीएम उसमें नहीं यू वांट टू कंपेयर pre evm era with the post evm era like how a uh, voting changed over the time okay theek hai वैसे बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है मतलब pre evm era क्यों बिकॉज़ ठीक आई विल डिस्कस व्हाई pre evm वर्सेस पोस्ट evm ओके okay. Anything else? Uh, sir, uh -huh. I would like to add one more thing that as the question has highlighted the trustworthiness of the EVM. Hmm. So I would like to add uh, there are other challenges also with the EVM. So but I would like to focus on the trustworthiness. Trustworthiness of EVM. ऑनलाइन भी मैं देख लेता हूँ वाई इन न्यूज सो निधिंगट इज ई वी एम चैलेंजेस टू इलेक्शन टू अदर पैटर्न ठीक है सो बेसिकली दिसरेडीज कवर्ड ऑलरेडी एंड चैलेंजेस ऑफ ई वी एम हाउ एनश्योर ई वी एम इज ट्रस्ट वर्दी इलेक्शन दिसरेडी बीन कवर्ड Controversy regarding EVM challenges faced by ECI uh, solution to overcome those challenges. So, if again uh, we go back to the question. See, in this question, the important areas are that they are saying that in the light of recent controversy regarding the use of EVM, what are the challenges before the Election Commission of India?

Uh, काफी हद हाँ तक आप लोगों ने सही जवाब दिया है जो कि अदर बैचेस में जब मैं लाइक like, ये वर्कशॉप करता हूं दिखाता हूं तो दे आर नॉट एबल टू लाइक नाइनटी परसेंट ऑफ देम मेक मिस्टेक्स बट विद रिस्पेक्ट टू दैट इन दिस बैच सरप्राइजिंगली रियली ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ यू गॉट इट राइट विच यूजली इज इन द केस सो दैट्स अ गुड थिंग सी इन दिस क्वेश्चन

जिन लोगों को अभी भी डिफिकल्टी हो रही है मैं उनसे बोलूंगा कि यहां को ना मैं भी थोड़ा सा काट देता हूं और उसको आप थोड़ा सा हटा दो एक बार के लिए एंड अब आप क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन यहां से शुरू होता है क्वेश्चन बोलता है व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन में आपसे सीधे सीधे यह पूछा जा रहा है लेकिन ये क्यों पूछा जा रहा है या यूपीएससी ने क्वेश्चन उस साल क्यों पूछा 2018 में अगेन थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो आफ्टर 2014 ये जो गवर्नमेंट आई एन, एन डी की उसके बाद से एक टाइम था जब लोगों को बहुत इस तरह के बोलते थे कि अरे ईवीएम इज हैक ईवीएम बाइज है ठीक है वहां पे ये बहुत सारे एलिगेशन बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने बातें बोली और उसके कारण वो कंट्रोवर्सी थी बट ओवर द टाइम जब अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी इलेक्शन जीतने लगे तो वो कंट्रोवर्सी अपने आप ही खत्म हो गई ठीक है और इलेक्शन कमीशन ने भी ऑफ कोर्स कुछ स्टेप्स लिए थे तो उस कंट्रोवर्सी के कारण ये एक मेजर बिगर इशू है आई से बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी दिस बिगर इशू केम एट फ्रंट ठीक है केम इन दाइमलाइट एंड दैट्स वाई द क्वेश्चन इज बींग लाइक यूपीएससी आज यू दिस क्वेश्चन बट दिस क्वेश्चन इज अबाउट Trustworthiness of election, not about the trustworthiness of EVM or about EVM. Or about the problems of EVM. This question is not about the problems of EVM. They are not asking you like what EVM is and who made this EVM and what are like how it function, what are the problems, how those problems can be resolved. All these things, if anyone is thinking, are not exactly asked here and should not be part of the answer. Baat clear? Hui? हाँ. वही है ना ट्रस्ट वर्दीन ऑफ इलेक्शन से मतलब है कि इलेक्शन की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें लोगों का कितना विश्वास है कितना भरोसा है लोगों कैसा लगता है कि अगर वो वोट करने जाएंगे तो वो फ्री एंड फेयर होगा ठीक है ना ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ इलेक्शन के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं ईवीएम है बट वो केवल एक आस्पेक्ट उसके अलावा आठ नौ और भी चीजें हैं जैसे मिस यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर ठीक है पर्टिकुलर मतलब पता चलता है कि किसी एक जगह पर बाकी लोगों को उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं करने दे रहे ठीक है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी एक बहुत बड़ा अहम रोल यहाँ पर करती है इसके अलावा यूज ऑफ ब्लैक मनी ठीक है इसके अलावा आपके हो जाता है कि ट्रस्ट ऑफ इलेक्शन में कि एक्सपेंसिस विच आर बींग मेड ठीक है हो सकता है वाइट मनी भी यूज हो रही हो बट अगेन uh, जब आप इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि वैसे तो एक कैप मतलब कैप कैप होता है होती है इज अपर होती कि इससे ज्यादा कैंडिडेट खर्च नहीं कर सकते हैं बट आर आर थ्रू दे एबल टू लाइक मेड एक्सपेंसेस ठीक है वो कैंडिडेट खर्च नहीं करता है पोलिटिकल पार्टी उसके नाम पे कर देती है पोलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई कैप नहीं होती है ठीक है तो इस तरीके के कई सारे लूप होल्स हैं वो लूप होल्स के कारण क्या होता है कि इक्वल मतलब प्लेइंग फील्ड नहीं होता है सारे कैंडिडेट्स के लिए एंड दैट इज वाई जब आपको पता है ना मतलब तो वो वोटर के ऑफ व्यू हैव टू राइट राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट तो राइट टू कंटेस्ट में अगर आपको पता है कि आप मतलब यहां पे 20 करोड़ रुपए लगते हैं मान लीजिए या 10 करोड़ जो भी रुपए लगता है एक इलेक्शन जीतने में और आपको पता है कि आपके पास उतना रुपया नहीं है तो फिर आपका तो ट्रस्ट ही नहीं होगा ना इस प्रोसेस में आपको पता है कि इलेक्शन लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज आई बी एबल टू टू मेक एनी एनी लाइक सिग्निफिकेंस इन ऑफ पीपल हु आर गोइंग वोट ठीक है सो दैट इज दस्ट वर्दीनेस इसके अलावा सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज फेक नेरेटिव पेड न्यूज ये सारे जो चीज है ये भी तो ट्रस्ट वर्दीनेस को खत्म करती है अगर आपको पता चले कि हर जगह वो एक, एक, एक मतलब एक पार्टी है या एक ग्रुप है उनके पास मतलब इतना लाइक uh, like उतनी पावर है दैट दे कैन मेक और दे कैन बिल्ड फेक देन ऑल्सो यू लूज योर ट्रस्ट योर फेथ इन द प्रोसेस सो ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ इलेक्शन सो इलेक्शन को मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो एंड देन व्हाट कैन बी इश्यूज देयर वो आपको यहां पर डिस्कस करने थे ठीक है किसी को कोई डाउट ठीक है हाँ जैसे प्रिंस आयुष चंदेला उन्होंने बताया कि ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज जैसे दे आर पीपल हु आर एबल टू तो कंटेस्ट फ्रॉम जेल और हु आर एबल टू तो विन इलेक्शन थ्रू जेल सो दैट ऑल्सो ने वे हैम्पर द वेम्पर ऑफ इलेक्शन लोगों को लगता है कि क्या फायदा वोट देने जाने से जब हमें पता है कि क्रिमिनल ही जीत कर जाएंगे तो वोट करने का फायदा क्या है ठीक है दैट ऑल्सो ने वे हैम्पर द ट्रस्ट ऑफ पीपल इन द एक्सरसाइज ठीक है सो ये सारी बातें थी जो आपको करनी थी ईवीएम के बारे में आप शुरुआत में कॉन्ट्रोवर्स ये बस आप लिख सकते हैं कि ये देर इज वॉज ए कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग ईवीएम बट द इश्यू इज मच लार्जर ठीक है यू आर नॉट सपोज टू गो इन टू दसी यू आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट हियर ठीक है फॉर टू रीजन रीजन नंबर वन पहली बात तो यहां पर कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में पूछ ही नहीं रहा देखो कहीं भी आपको नहीं लग रहा है वो उन्होंने बस बोला कि इन वेक ऑफ दिस

उस समय भी जब ये आंसर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये क्लियर था कि देर इज नो रीजनेबल बेसिस दैट नेचर ठीक है सो दैट वॉज अंडरस्टैंडिंग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट्स वाई आई सेड इन कि भले ही आपको ये सारी चीजें पता हो कि वो इश्यूज क्या हैं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं समझा है तो आप सही आंसर नहीं लिखोगे ठीक है दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लाइक टू हैव दिस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड हाउ यू कैन इंप्रूव अपॉन दिस एबिलिटी जैसे अभी अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं मेरे से बार बार गलती हो रही है तीन क्वेश्चन मैंने दिखाई तीनों में गलती हो रही है तो कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है तो उससे कुछ बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं सी Your understanding about a particular question is basically decided by two, three things: to no doubt, language. If you are not comfortable with the language, then of course it will, uh, it will be difficult for you. But once language is done, then comes the subject matter. क्या होता है कि अभी आपने ना उन चीजों के बारे में पढ़ा नहीं है जैसे मैंने पे बताया कि इलेक्शन के मल्टीपल लाइक थिंग ऑफ अबाउट दिस एक्सरसाइज फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू नॉट जस्ट फ्रॉम वोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू बट अभी बाई डिफॉल्ट हमें से सभी वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं क्योंकि क्योंकि हमारा एक्सपोजर ही वही है ठीक है वी यूजली लाइक मोस्ट ऑफ यू बी लुकिंग एट दिस इलेक्शन फ्रॉम अ अंटेस्टेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है बट जब आप पढ़ोगे चीजों को तो धीरे धीरे आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी और तब आपका आपके लिए समझना और आसान होगा पहली बार ठीक है लेकिन आपको एक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और वो है मतलब इफ यू वांट टू इंप्रूव अपॉन दिस एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट पार्ट इज दैट यू शुड लाइक हैव अ योर ओन क्वेश्चन बैंक ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ठीक है जैसे कि अभी आपके पॉलिटी पढ़ाई जा रही है ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है तो जो भी सब्जेक्ट टॉपिक और चैप्टर्स कवर हो गए हैं गो बैक टू यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और या इफ यू कम अक्रॉस टू एनी लाइक ऑनलाइन और कहीं पे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जो कि उन टॉपिक से रिलेटेड है सो प्रिपेयर अ क्वेश्चन बैंक ठीक है एक फाइल बनाओ उसमें कि भाई लाइक पॉलिटी के क्वेश्चन या पॉलिटी के